बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम के तमाम खैर आफियत के साथ हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर का, टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स सेकंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से हम इनिशियल फाइव जो हैं वो आज इंशाअल्लाह ताला सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तमाम बच्चे अपनी अपनी बुक्स भी ओपन कर लीजिए और स्टेटमेंट्स को भी ज़रा गौर से सुनते जाइएगा, और एक दफ़ा अपनी बुक ओपन करके सेकंड चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज आपने पढ़े हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। एक बेसिक फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, मोस्टली हमने ज़्यादातर बातें उसी से रेलेवेंट की थी, वो हमारे पास था इंटेंसिटी लेवल का। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप जो है वो सबसे पहले नंबर पर अपनी बुक में देखें कि कितने फार्मूलाज हैं और उन सारे के सारे कंक्लूडेड फार्मूलाज को एक दफ़ा ज़रा गो थ्रू कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम अपनी न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स ओपन करके स्टेटमेंट को ज़रा गौर से सुनते रहिएगा ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो जाएं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बुक में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल मेंशन है, दिस इज़ अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 10 रेज टू पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। What is the decibel level for this intensity? And the other part is, what is the intensity of the sound for 100 dB? Okay, means 100 dB से भी यही मुराद है decibel level। अच्छा, हमारे पास जो given data है हम सबसे पहले उस पर आते हैं। इन्होंने कहा कि दो लोग आपस में अगर गपशप कर रहे हैं तो उसमें जो normal intensity level है, जो sound intensity है, जो उसकी loudness है, student वो हमारे पास available है 3.0 into 10 raised to power -6 watt per meter square। सेकेंड उन्होंने हमसे पूछा what is the decibel level for this intensity, यानी हमने साउंड लेवल को फाइंड आउट करना। इंटेंसिटी लेवल हमारे पास अवेलेबल है और साउंड लेवल जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि अपनी प्रॉपर डाटा को अरेंज करेंगे, और ये हमारे पास बनता है 11.1 न्यूमेरिकल। सो द गिवन डाटा for this numerical is sound intensity which is I, and the value of I is 3.0 into 10 raised to power -6 watt per meter square। okay, iske ilawa एक चीज़ तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल आ गई। अब ये देखें स्टूडेंट कि ये हमारे पास वो इंटेंसिटी है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा जो कि एक लाउड साउंड की इंटेंसिटी है। स्टूडेंट, साउंड लेवल की डिस्कशन में हमें एक लाउड साउंड चाहिए होती है उसकी इंटेंसिटी, और एक हमें फेंटेस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी है वो भी चाहिए होती है। तो हम यहाँ पर अपनी फेंटेस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी है वो भी मेंशन करेंगे, एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई नॉट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 10 raised to power -12 watt per meter square। Now let's check what we have to find. The things we have to find is sound level in dB, so which is represented by L minus L naught. This is the first thing that we have to find, and the second thing, the level of sound at 100 dB. So it means that we have to find the two things, first of all A1 and the second one is B. So now students, the formula we have to solve this question is of the sound level which is L minus L naught, and it is equal to the log of 10 log of I over I नॉट एंड डी बी। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर 10 log वाली वैल्यू इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है उसको डी बी के अंदर जो है वो फाइंड आउट करना था। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। स्टूडेंट, सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले नंबर पे अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास यही फार्मूला रहेगा, बट वी हैव टू फाइंड द साउंड इंटेंसिटी लेवल L माइनस L नॉट। स्टूडेंट, जब हम L माइनस L नॉट मेंशन करते हैं और हमने बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो हम बाकी वैल्यूज़ को कुछ जो अवेलेबल हैं इंटेंसिटीज़ की वो सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये लिखा जाएगा 10 log I की वैल्यू स्टूडेंट होगी
3.0 × 10⁻⁶ एंड ओवर 10⁻¹২ एंड विद द यूनिट डी वी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाती हैं। अच्छा, फर्दर अपार्ट जैसे ही हम अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये करेंगे सबसे पहले नंबर पे कि हमारे पास ये जो माइनस ट्वेल्व की वैल्यू है हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा और ये कुछ वैल्यूज़ यूँ बनेंगी, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log 3.0 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 10⁻²⁻¹ डी बी। और स्टूडेंट देखें कि प्लस 12 और माइनस 6 ये वैल्यूज जो हैं वो आपस में सॉल्व आउट होती हैं, और सॉल्व होने के बाद हमारे पास 12 माइनस 6 क्या बचता है स्टूडेंट? 10⁻⁶ डी बी। सेम स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, फर्दर लॉग यूज करेंगे, और लॉग को स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ, तो आपको पता है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लें और फिर उस वैल्यू का लॉग ले लें, सेकंड ये है कि हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग 3.0 प्लस लॉग 10⁶, दो ऑप्शन हैं आपके पास। इसी तरह स्टूडेंट लॉग 3.0 यानी 3 ही है, हम log ऑफ 3 लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज और रूल्स ऑफ log, ये पावर जो है वो log से पहले लिखी जाती है, एंड log ऑफ 10 dB। तो स्टूडेंट जब हम अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 6.47 dB। एंड व्हेन वी एट लास्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई द 10 विद द 6.47 द वैल्यू विल बिकम इज 60.47 डी एंड बी। सो नाउ एल माइनस एल नॉट एंड हैंस दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट विच इज ए। स्टूडेंट ये नॉर्मल डीबी लेवल है इंटेंसिटी का, जो हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल जो डीबी के अंदर फाइंड आउट करनी थी। बट नाउ इन अदर पार्ट हमें ये कहा गया कि हम लोगों ने अपनी इसी इंटेंसिटी को, इन्हीं गिवन डाटा को यूज़ करते हुए फर्दर हम लोग अपनी वैल्यूज़ को इन 100 डीबी की फॉर्म में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट देखा जाए तो हमारे पास सोल्यूशन के लिए फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ हमारे पास इंटेंसिटी की जो वैल्यूज़ हैं हम उसको थोड़ा सा जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि अब हमें चाहिए हमारा साउंड इंटेंसिटी लेवल एट द 100 डीबी, तो हम ऑलरेडी उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है, लेट्स सी दैट, कि फॉर्मूला होगा एल माइनस एल नॉट 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट एंड इनटू डीबी। स्टूडेंट ये याद रखिएगा, जो हमें साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया गया एट 100 डीबी तो वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह आई नॉट हमारे पास फेंटेस्ट साउंड है, उसकी वैल्यू हमने याद रखनी है 10⁻²⁻ वाट पर मीटर स्क्वायर, और आई जो है वो यहाँ से हम लोग स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने यही इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट द साउंड लेवल ऑफ 100 डीबी। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को करेंगे सब्सिट्यूट, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 100 डीबी इज इक्वल टू 10 लॉग आई एज इट इज़ रहेगा डैट वी हैव टू फाइंड, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और आई नॉट की वैल्यू स्टूडेंट मैंने बताई 10⁻²⁻ वाट पर मीटर स्क्वायर इन डीबी। एंड एट लास्ट स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे इस पार्ट को भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो लॉजिक्स हैं, एक तो यही पैटर्न कि हम यहाँ पर इस तरह से इसको ओपन कर लें विद हेल्प ऑफ द लॉग रूल, सेकेंड ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट हम यहाँ पर सिंपली एंटी लॉग ले लें। अच्छा, एंटी लॉग लेने से पहले भी आप एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, वो आप काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपके पास 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है लॉग के साथ, आप इसको यहाँ से 100 के नीचे डिवाइड करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसको कंबाइनली ऐसे लिख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी लॉग ऑफ 100 ओवर 10 एंड एंटी लॉग ऑफ आई ओवर 10⁻²⁻ डीबी। स्टूडेंट अब देखिएगा, एक तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कैंसिल हो गई थी, सेकेंडली एंटी लॉग सिंपल लॉग के साथ जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा,
और हमारे पास यहाँ वैल्यू बचेगी आई ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बचती है वो होगी एंटी लॉग ऑफ 10 और यहाँ आपके पास वैल्यू बचती है स्टूडेंट आई ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। स्टूडेंट एंटी लॉग की जो वैल्यू है वो कुछ यूँ है 1 × 10⁻¹० विच इज़ इक्वल टू और ये माइनस 12 ऊपर जाकर स्टूडेंट पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 12 एंड मल्टीप्लाई बाय आई। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी तो स्टूडेंट 10⁻¹० एंड ओवर 10⁻¹² इज इक्वल टू आई। स्टूडेंट यहाँ से ये वैल्यू फिर ऊपर जाएगी तो हमारे पास कुछ वैल्यू बच जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ 10⁻¹० माइनस 12 इज इक्वल टू आई। अच्छा इसी तरह स्टूडेंट अब आप अगर इसको सॉल्व करें 10⁻¹ माइनस 12 तो आपकी ये वैल्यू इंटेंसिटी की कुछ इस तरह बचेगी आई इज इक्वल टू 10⁻¹ माइनस 2 और लीनियर फॉर्म में सिंपल फॉर्म में ये कुछ यूँ लिखा जाएगा 0.01 और बाय यूजिंग द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन का जो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा था। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है वो सेकंड न्यूमेरिकल की वैल्यूज कुछ यूँ हैं, कहते हैं जी इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज 180 dB व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड देयर। कहते हैं अगर कि अनारकली बाज़ार के अंदर साउंड लेवल देखा जाए तो वो 80 dB है, तो 80 dB के अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड ओवर देयर, तो वहाँ पर साउंड इंटेंसिटी का जो लेवल है वो कितना होगा। हमारे पास जो गिवन डाटा है स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा 11.2 के लिए जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं इसमें सिर्फ हमारे पास एक चीज़ इनिशियली अवेलेबल है जो कि मैक्सिमम साउंड लेवल है और साउंड लेवल को हम हमेशा स्टूडेंट आपको पता मेंशन करते हैं L-L0 से विच इज़ 80 dB अवेलेबल। अब स्टूडेंट अगर हम देखें कि हमारे पास ये साउंड लेवल का फार्मूला यूज़ हो रहा है तो कोई भी साउंड लेवल का जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है तो इसमें आपको L-L0 चाहिए I की वैल्यू और I0 चाहिए। आई की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करनी है तो हम I0 खुद से लिखेंगे। तो सपोज कर लीजिएगा कि I0 की वैल्यू हमारे पास इनिशियली फेंटेस्ट साउंड लेवल क्या है 10⁻¹² वॉट पर मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो आपको चीज़ स्टूडेंट चाहिए जो फाइंड आउट करनी है आपने और जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपके पास है स्टूडेंट इंटेंसिटी लेवल सिंपल आई। और सॉल्यूशन जब आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए फार्मूला रिक्वायर्ड होगा। स्टूडेंट यहाँ पर नॉर्मली जो फार्मूला हमें यूज़ करने के लिए मिल रहा है ये है हमारे पास L-L0 10 log I/I0 × dB क्योंकि हमारे पास वैल्यूज dB के अंदर अवेलेबल हैं तो हम बाकियों को भी dB के अंदर ही सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि अब आप जब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो आपके पास गिवन डाटा कौन कौन सा अवेलेबल है वो ज़रा आप सोच लें ताकि हम उनकी वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर सकें। स्टूडेंट L-L0 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है विच इज़ 80 dB, 10 अवेलेबल है log और स्टूडेंट I की वैल्यू है आपको फाइंड आउट करनी तो नीचे हम लिखेंगे 10⁻¹². सिंपली स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला इनिशियली वर्क ये है कि 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 80 के नीचे डिवाइड करवा देंगे। सेकंड ऑप्शन पे लॉग की वैल्यू है, लॉग को हमने ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना है तो स्टूडेंट दिस इज 8 इज इक्वल टू लॉग आई ओवर 10⁻¹² बाय टेकिंग द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। आप स्टूडेंट ये देखें कि अब यहाँ पर आपके पास ये जो एंटी लॉग की वैल्यू है ये लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगी और जब हम एंटी लॉग का जो फाइंड आउट करेंगे 8 का तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आती है 10⁻¹². यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें कि ये जो -10 था ये ऊपर जाएगा और ये वैल्यू कुछ लिखी जाएगी 10⁻¹ + 12 एंड डॉट आई। आई फाइंड आउट करना है इसको डिवाइड करवा दें 10⁻¹² 10⁻¹² - 12 ये 12 की पावर ऊपर जाएगी स्टूडेंट हम यहीं पर लिख लेते हैं 10⁻¹² - 12 विच इज़ ऑल्सो इज इक्वल टू आई
और 10^8 - 12 जब करेंगे तो आपके पास वैल्यू बचती है 4 की - 4 की। तो सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हैं 10^-4, क्योंकि आप फाइंड आउट कर रहे हैं इंटेंसिटी, इसका यूनिट साथ मेंशन कर दीजिएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। सिंपली नाउ दिस इज़ योर आंसर ऑफ द सेकेंड न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स इसी के साथ अगर अब हम देखें अपने थर्ड न्यूमेरिकल को, तो थर्ड न्यूमेरिकल का जो डाटा है स्टूडेंट वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पे हमारे पास जो साउंड की स्पीड है हवा में वो 330 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो, देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें आप साउंड वेव की। इज दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। इज दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। और हमने ये भी बताना है कि क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ह्यूमन ईयर की जो रेंज है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज उसमें भी लाई करती है या नहीं। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहले गिवन डाटा अवेलेबल है 11.3 के लिए, स्टूडेंट गिवन डाटा में हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ अवेलेबल रही हमारे पास डैट इज़ द साउंड स्पीड, यस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वी। द वैल्यू ऑफ वी इज 330 मीटर पर सेकेंड, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। द सेकेंड थिंग वी हैव इन दिस फॉर्मूला इज द वेव लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट नाउ चेक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर द सेम यूनिट ऑफ द बोथ वैल्यूज ऑफ द गिवन डाटा। मीटर है यहाँ पर, सेंटीमीटर है, तो हम इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन 5 इज डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 100 एंड इट विल बिकम एज 0.05 मीटर। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। और इसको सॉल्व आउट करने के लिए स्टूडेंट ऐसा फार्मूला जिसमें हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हों, यानी एफ वी और लैम्डा, तो वो फार्मूला हमारे पास बहुत ही सिंपल है। एंड द फार्मूला इज वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एंड नाउ इन दिस फार्मूला वी हैव टू फाइंड द एफ, सो सेपरेट इट इन अ सॉल्यूशन। हम स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे वी ओवर लैम्डा विच इज इक्वल टू एफ, और जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस गिवन फार्मूला। एंड नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस गिवन फार्मूला विच इज रिटन एज एफ इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड ओवर लैम्डा स्टूडेंट 0.05 मीटर। मीटर भी कैंसिल हो गया, और इस वैल्यू को जब हम फाइनली कंक्लूड करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी कुछ आती है 6600 और पर सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट अब ये देखें आप कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमने ये इसका यूनिट पर सेकेंड नहीं है, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट एक्चुअली इसका जो यूनिट है हमारे पास वो होता है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें सिंपली, तो आप क्या करेंगे 1, 2, 3, सो इट विल बी रिटन एज 6.6 × 10^-3 हर्ट्ज। एंड नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। और अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी रेंज, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर भी जो है वो आती है या नहीं आती। तो स्टूडेंट वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास क्या थी, वो वैल्यू हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की होती है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसके साथ ही फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, येस दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और फिर हमारा ये जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हम चल रहे हैं स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 11.4। एंड द स्टेटमेंट फॉर द 11.4 इज अ डॉक्टर काउंट्स द 72 हर्ट बीट्स इन 1 मिनट। ओके, एक मिनट में 72 हर्ट बीट्स डॉक्टर ने मेजर की, सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हर्ट बीट्स। ओके स्टूडेंट यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज हैं इसके अकॉर्डिंग देखिएगा स्टूडेंट, गिवन डाटा के मुताबिक सबसे पहले हमारे पास हर्ट बीट्स अवेलेबल हैं विच इज 72। देन वी हैव अ टाइम पीरियड, द टाइम ऑफ 1 मिनट
वन मिनट को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लें सेकंड के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय द 60 एंड द आंसर विल बिकम सिंपली 60 सेकंड। हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट वो दो हैं, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास कॉमन होता है, कॉमन फार्मूला क्या है, विच इज़ 1/T। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हर्ट बीट्स, नंबर ऑफ हर्ट बीट्स अवेलेबल हैं और टाइम वन मिनट है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन का। सेम एज इसी तरह स्टूडेंट अब सेकेंड जो फार्मूला होगा टाइम पीरियड का वो हमारे पास होता है 1/F। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले नंबर पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, द फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी इज N/T। यहाँ पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें, N की वैल्यू स्टूडेंट 72 और T की वैल्यू स्टूडेंट 60 सेकेंड्स। सिंपली जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास आंसर क्या आता है, यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आता है वो होगा 1.2 हर्ट्ज का फॉर द फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देख लें कि हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो फाइंड आउट कर ली, अब इसी की मदद से हमने टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपली स्टूडेंट टी इज इक्वल टू 1/F एंड टी इज इक्वल टू 1.2 एंड देन टी इज इक्वल टू 0.833 एंड टाइम पीरियड का सेकंड इसका यूनिट होता है, तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल होगा एंड दिस इज़ द 11.5। स्टूडेंट अगर हम 11.5 की स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा है अ मेरीन सर्वे शिप्स सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास समुंदर के अंदर एक सर्वे करने वाली जो कश्ती है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्वे करने वाली जो शिप है जब वो समुंदर के अंदर सर्वे कर रही थी तो उसने सी बेड यानी समुंदर की तह में एक साउंड वेव जो है वो थ्रू करवाई। इट रिसीव्स एन इको और वहाँ से उनको जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड थी वापस उनकी शिप तक जिसको हमने इको का नाम दिया था वो दोबारा सुनाई देती है 1.5 सेकंड लेटर, डेढ़ सेकंड बाद। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड, जबकि पानी के अंदर उस साउंड वेव की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड थी। अब ये बता दें कि फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजिशन, इस जगह पर समुंदर की गहराई कितनी होगी। स्टूडेंट देखिए जो गिवन डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास जो इको का टाइम था वो है 1.5 सेकंड का। इसी तरह स्टूडेंट सेकंडली हम इस इको के टाइम को, क्योंकि टाइम था ना, हम इसको टी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल चीज़ थी स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड स्टूडेंट हमारे पास वी थी 1500 मीटर पर सेकेंड इन वाटर। जो चीज़ हमें चाहिए है, जो फाइंड आउट करनी है वो है हाइट यानी डेप्थ ऑफ वाटर, डिस्टेंस भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीड का फार्मूला स्टूडेंट वी इज इक्वल टू D/T, मोस्ट सिंपल फार्मूला। इसी तरह जब आपने इको या हाइट फाइंड आउट करनी हो तो स्टूडेंट उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है H=S/2। स्टूडेंट इस फॉर्मूले के अंदर से हमें चाहिए है डिस्टेंस यानी हाइट, हम इसको डी भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा कि आपको ये वैल्यू है यहाँ से डी फाइंड आउट करना है, तो टी दूसरी साइड पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा V.T=D। सो मैं वी टी की वैल्यू जब पुट करूँगा स्टूडेंट तो दिस इज 1500 एंड 1.5। स्टूडेंट जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1500 को 1.5 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 22.50 मीटर। स्टूडेंट ये आपके पास आपका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस से मुराद ये है कि जब आपने डेप्थ ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए साउंड वेव्स भेजी थी और यहाँ से वापस रिफ्लेक्शन तक का साउंड 1 एंड 2, ये टोटल डिस्टेंस था हमारे पास यहाँ से। अच्छा इसी तरह स्टूडेंट अब हमने फाइंड आउट करनी है सिंगल साइडेड हाइट के डेप्थ कितनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली फॉर द हाइट D/2। जब हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाता है हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे 2250 मीटर/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाता है 1125 मीटर और स्टूडेंट ये है आपका आंसर हाइट का, यानी आपके पास उस वक्त जो गहराई होगी वो 1125 मीटर होगी जिस वक्त साउंड वेव आपकी शिप ने भेजी। तो ये स्टूडेंट आपके आज के 5 न्यूमेरिकल्स थे, बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर कंप्लीट करेंगे।